बहुत ही हेल्दी होता है। इसमें विटामिन सी पाया जाता है। यह हमारे बालों आंखों के लिए बहुत ही लाभदायक है। आप इसे किसी भी रूप में खाइए, बेनिफिट ही देता है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आंवला की लौंजी। थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा, बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है। एक बार बना के रख लीजिए फ्रिज में और कई दिनों तक ये आराम से चल जाता है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। और लास्ट में मैंने फूड लाइब्रेरी में एक रोचक जानकारी दी है। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रश्मि फूड स्टफ। आज मैं फिर आपके लिए लेके आई हूँ नई रेसिपी। लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल पे जाके ऑल को जरूर प्रेस कर दीजिए। आंवला की लौंजी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 250 ग्राम आंवला लिया है। आंवला को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और पोंछ लिया है। अब हम यहाँ पे आंवला को उबालेंगे। तो उबालने के लिए यहाँ पे मैंने कुकर लिया है। कुकर में सारे आंवले को डाल देंगे और 2 ग्लास पानी इसमें ऐड करेंगे। 2 ग्लास पानी डालने के बाद ढक्कन लगाते हैं और इसमें हम 4 सीटी लगा लेते हैं। तो ये देखिए 4 सीटी लग गया है। गैस को मैंने बंद कर दिया था। अब हम ढक्कन हटा के देखते हैं तो ये आंवला हमारा एकदम परफेक्ट हो गया है। इससे ज़्यादा विसल नहीं लगाइएगा तो आंवला बहुत ज़्यादा गल जाएगा। तो चलिए अब इसे एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। प्लेट में सारे आंवला मैंने निकाल लिया। आप देखेंगे कि इसमें हल्के हल्के क्रैक्स आ गए हैं इस तरह के, यानी आंवला हमारा परफेक्ट बॉयल हुआ है। 4 से ज़्यादा सीटी लगाएंगे तो आंवला गल जाएगा। अब धीरे धीरे करके हम इस तरह से सारे आंवले को निकाल लेते हैं और बीज को अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे सारे आंवले के बीज निकाल दिया है और इस तरह के पीसेस मैंने कर लिया है। आंवला उबल चुका है। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल लिया है। तेल जैसे ही गर्म हो जाए इसमें थोड़ा सा हींग ऐड करेंगे और फ्लेम को यहाँ पे लो कर देंगे। अब धीरे धीरे करके इसमें सारे मसाले ऐड करते हैं। तो पहले यहाँ पे मैं 1 चम्मच जीरा ऐड कर रही हूँ, 1 चम्मच सौंफ। फ्लेम को यहाँ पे लो रखिएगा नहीं तो सारे मसाले आपके जल जाएंगे। 1 चम्मच मेथी डाला है, 1/2 चम्मच कलौंजी डाला है और थोड़ा सा मैं यहाँ पे अदरक को बारीक बारीक पीसेस कर ली हूँ, वो इसमें डाल देंगे। डालने के बाद इसे हम चला लेते हैं। अब यहाँ पे हम उबले हुए जो आंवला था वो इसमें हम डाल देंगे। डाल देने के बाद इसे 2 मिनट चलाते हैं लो फ्लेम पे। 2 मिनट चला लेने के बाद इसमें मैं 1 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ और 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। नमक मिर्ची डालने के बाद इसे चला लीजिए। फिर इसमें 1/2 चम्मच मैं काला नमक ऐड कर रही हूँ और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे आमचूर पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। और एक बहुत ज़रूरी टिप्स है, इससे लौंजी का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने सौंफ का पाउडर ऐड किया है। 1 चम्मच मैं यहाँ पे सौंफ का पाउडर ऐड कर रही हूँ। सौंफ मैंने शुरू में भी डाला था जब तेल में हम तड़का लगा रहे थे। तो सौंफ का मात्रा थोड़ा ज़्यादा रखिए, इससे लौंजी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। 2 मिनट इसे चलाइए ताकि हल्दी का कच्चापन निकल जाए। अब इसमें हम ऐड करेंगे 150 ग्राम गुड़ के। गुड़ आप कोई सा ले सकते हैं लेकिन उसको छोटे छोटे इस तरह से टुकड़े में कर लीजिए। अब 2 मिनट इसे अच्छी तरह से चलाइए ताकि आंवले में अच्छी तरह से गुड़ एब्जॉर्ब हो जाए। गुड़ मेल्ट हो गया तो आप देख रहे होंगे अभी थोड़ा पतला है लौंजी हमारा। तो इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा गाढ़ा करेंगे। तो फ्लेम को यहाँ पे थोड़ा मीडियम टू लो रख दीजिए और इसे थोड़ा गाढ़ा होने तक हम वेट करते हैं। सभी चीज़ों का मेजरमेंट मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। लौंजी पक के रेडी है, गाढ़ा भी हो गया है। तो इसी तरह मैंने आंवला का गटागट की भी रेसिपी डाली है, लिंक उसका मैं दे दूंगी, आप वहाँ जाके भी चेक कर लीजिए। तो ये लीजिए हमारा खट्टा मीठा टेस्टी लौंजी बन के रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अपने फैमिली मेम्बर में ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस रेसिपी को शेयर करिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर इसी तरह नई नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड।